ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मेन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 15 जनवरी 2024 को सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो इसका मीन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 15 जनवरी 2024 की दोपहर 2:32 पर सूर्य अपनी मित्र की राशि धनु राशि से निकलकर शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 15 फरवरी 2024 तक सूर्य मकर राशि में ही संचरण करने वाले हैं। सूर्य की बदल रही चाल सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालने वाली है। इसका मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ग्रहों के राजा सूर्य किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ प्रभाव देने वाले हैं और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता, इस एक महीने की समयावधि में रहने वाली है। तो मीन राशि वाले जातकों, सूर्य के बिना जीवन जीने की कल्पना करना असंभव है। सूर्य को समस्त जीव जगत की आत्मा का स्वरूप माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। सूर्य देव की स्थिति अगर जन्म कुंडली पर बलवान होती है, करियर में हर तरह के लाभ प्राप्त होते हैं, धन संपत्ति आसानी से प्राप्त होती है, रिश्तों में खुशहाली, पिता का सहयोग, गृहस्थ जीवन में भरपूर परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलता है, वहीं सूर्य बलवान होते हैं, सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता आसानी से मिलती है। सूर्य के पीड़ित होने पर पाचन तंत्र से संबंधित समस्या, हड्डियों में समस्या, आंखों में प्रॉब्लम, सिर दर्द, पीलिया की बीमारी शरीर में होती है, वहीं जीवन में मान सम्मान की कमी भी हो जाती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ प्रभाव मिल सकता है। उससे पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आने वाले समय में यदि आप ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सूर्यदेव आपके राशि के छठवें भाव के स्वामी माने जाते हैं और 15 जनवरी 2024 को ये आपके 11वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के 11वें भाव से कर्म के द्वारा उपार्जित लाभ के बारे में, धन के बारे में, चाचा के बारे में, बड़े भाई के बारे में, मनोकामनाओं की पूर्ति के बारे में विचार करते हैं। इसका मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार का सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले, आर्थिक लिहाज से यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार और बेहतर रहने वाला है। एकादश भाव पर सूर्यदेव प्रभावी होकर आपके जीवन में आर्थिक स्थिति को बढ़ाने वाले हैं। कई स्रोतों से धन लाभ की प्रबल संभावना मिल सकती है। पिछले समय से यदि आपके किसी प्रकार के कार्यों में रुकावट कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों में बनी हुई थी या भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजें आप अर्जित नहीं कर पा रहे थे, पिछले समय से यदि आप भूमि, भवन, वाहन नहीं ले पा रहे थे, सूर्यदेव एकादश भाव पर प्रभावी होकर आपके जीवन में कई प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करवाने वाले हैं। दूसरी ओर, व्यवसाय के क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है, व्यापारिक नवीनीकरण और व्यापार में ढेरों अवसर आपको आसानी से मिलने वाले हैं। सूर्य के चलते प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। मीन राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार और बेहतर रहने वाला है। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपकी राशि के पंचम भाव यानी संतान भाव पर जाने वाली है। संतान की प्रगति और उन्नति होने वाली है। सूर्य के शुभ प्रभाव से रिश्तों के संदर्भ में जीवन साथी का भरपूर सहयोग भी आपको मिलेगा और जो जातक प्रेम संबंधों में जुड़कर चल रहे हैं उनके लिए भी सूर्यदेव बहुत ही सकारात्मकता देने वाले हैं।
पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, प्रेम भावना का विकास होगा, रिश्तों में समर्पण का भाव बढ़ेगा और रिश्ता मजबूत बनने वाला है। सेहत के मामले में आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने वाली है, उत्तम स्वास्थ्य सूर्यदेव आपको प्रदान करने वाले हैं। मीन राशि का ऐसा जाता है जो वर्तमान समय में किसी प्रकार के पदोन्नति या प्रमोशन जैसी स्थितियों को लेकर चल रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाला है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, सूर्य जनित दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए, शुभता को अर्जित करने के लिए सूर्य को जलाभिषेक करना और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में गौशाले में जाकर यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके कुंडली पर सूर्यदेव की स्थिति काफी अनुकूल और काफी बेहतर बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।